नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाइए। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के आसपास दोस्तों 5 पर्व मनाए जाते हैं। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दोस्तों, इस बार दिवाली 7 नवंबर 2018 को मनाई जाएगी। दिवाली जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। तब से अभी तक कार्तिक अमावस्या पर दीपों की रोशनी से अंधकार दूर करने की प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, दिवाली के दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनको साल भर धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, दिवाली की रात माँ की पूजा में हमसे भूलवश कई गलतियाँ हो जाती है, चीज़ों का प्रयोग हो जाता है जिससे हमें गलती कर बैठते हैं। इससे माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और आशीर्वाद की जगह हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। हमको दीपावली की शाम के समय दोस्तों 4 ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है मित्रों, तुलसी को विष्णु की प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वो देवी लक्ष्मी की सौतन है, इसीलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं डालें। ऐसा करने से मित्रों माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हम उनके जो है वो कोप का भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात है कि लक्ष्मी पूजा करते समय दिया जो दीपक होता है उसको भूलकर भी माता लक्ष्मी के बाईं ओर नहीं रखें बल्कि दाईं ओर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दीपक को हमेशा माता के दाईं ओर ही रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी वस्तु है माता लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए भूल कर भी उन्हें सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की मूर्ति को दोस्तों भूल कर भी सफ़ेद रंग की जो दरी होती है या जो सफ़ेद रंग का जो नीचे दोस्तों कपड़ा बिछाते हैं वो नहीं बिछाना है, बल्कि लाल और दूसरी तरह का जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं। जनरली हम लाल रंग का ही यूज करते हैं। पांचवी ऐसी है कि मान्यता ऐसी है दोस्तों, लक्ष्मी पूजा करते समय भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसीलिए उनकी पूजा एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती है। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएगी। भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर की दक्षिण तरफ रखें और दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।